तो अब हम इस फोटो में से पिंपल्स खत्म कर लें। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है स्पॉट हीलिंग टूल। नोट कर लें, यहाँ पर हम 2 सेकंड दबा के रखेंगे, स्पॉट हीलिंग टूल। स्पॉट हीलिंग टूल को जैसे ही लेंगे तो यहाँ पर इसका ब्रश साइज है जो आप यहाँ से सेट करेंगे, यहाँ से ज़्यादा बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कीबोर्ड से इसको कंट्रोल करना हो तो मैंने आपको बताया कीबोर्ड से कंट्रोल करने के लिए ये वाली 2 कीज़ हैं, स्क्वायर ब्रैकेट और स्टार्ट एंड ओवर। इसको आप इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इस पिंपल के साइज़ के मुताबिक इसको सेट करूँगा। तो ये मैंने इसको सेट किया है बिल्कुल इसके मुताबिक, पर थोड़ा सा ज़्यादा हो लेकिन ज़्यादा नहीं हो ज़्यादा ना। ये देखें बिल्कुल पिंपल आ गया इसके बीच में, और जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे, इसने यहाँ से खत्म कर दिया, ठीक है। इसी तरह से हम इसको और जूम करेंगे, जिससे इसका यहाँ पर भी एक पिंपल है, इस पिंपल पर रखते हैं और क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ से भी इसने अच्छी तरह जूम करके फिर आप इस पर काम कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसके पिंपल्स हैं यहाँ पर, यहाँ से ख़त्म हो गए, ये वाला पिंपल का ये भी यहाँ से गया। अच्छा, अब ये पिंपल थोड़ा छोटा है तो इसका साइज छोटा कर लेंगे, बड़ा साइज हो मतलब जितना बड़ा पिंपल है उस साइज का ब्रश साइज सेट करेंगे तो ये उसकी उसी स्किन को जो है रिपेयर कर देगा। ये देखिए ये यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें पिंपल्स ही नहीं बल्कि मोल्स जो होते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे तिल है, इस तरह से आप भी उसको भी रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए किस तरीके से इजीली ये पिंपल्स को खत्म कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और फिर ये आपकी पिक्चर को बिल्कुल क्लीन कर देगा, नीट एंड क्लीन, जैसे वो कोई इस पर निशान था ही नहीं। अच्छा, अब इसी का एक दूसरा टूल है जिसका नाम है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, हीलिंग ब्रश टूल। अब ये हीलिंग ब्रश क्या करेगा, ये एक एक पॉइंट कर रहा था, ये पूरे एक स्पेसिफिक एरिया को सेट करेगा। मतलब कैसे, पहले मैं स्पॉट हीलिंग टूल से इसका कुछ हिस्सा क्लियर कर देता हूँ, जैसे इसका ये वाला हिस्सा बड़ा क्लियर है, इसको और साफ कर लेता हूँ यहाँ से। अब ये काफी हिस्सा जो है इसका काफी बेहतर हो गया, ये वाला हिस्सा ना, एज कम्पेयर टू ये वाला हिस्सा इसका इतना बेहतर नहीं है और ना ये वाला हिस्सा इसका इतना बेहतर है। अब मैं लेता हूँ यहाँ से स्पॉट हीलिंग टूल, ब्रश टूल। ये क्या करेगा, देखिए इसका ब्रश साइज सेट करता हूँ मैं, जूम किया मैंने, ब्रश साइज सेट किया इसका। अब मतलब करना ये है कि जैसे इसका ये वाला जो एरिया है, ये वाला हिस्सा, अब मैं एक एक करके कर रहा हूँ तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे रखा ये हिस्सा इसका काफ़ी क्लियर है यहाँ तक करा। ऑल्टर का बटन दबा के होल्ड करना है, ठीक है, तो ये एक ऑल्टर होल्ड करेंगे तो एक निशान चेंज हो जाएगा। ये दोबारा से देखें ब्रश आ रहा है, और जैसे ही मैं इसको ऑल्टर का बटन दबाऊंगा तो ये देखें क्लिक करूंगा, ये क्या करेगा, यहाँ से स्क्रीन स्किन को इसकी कैप्चर कर लेगा। अब वही स्किन लेने के बाद ऑल्टर छोड़ दूंगा मैं और इसको इस तरह से अप्लाई करूंगा, देख रहे हैं, यानी कि वो स्किन यहां से लेता जा रहा है और यहां पे लगाता जा रहा है। उसी काम को करने का ये दूसरा मेथड है और इस पर देखें थोड़ा काम स्पीडी हो जाएगा। आई बात समझ में आपको, नहीं आई? अच्छा ठीक है, इसी तरह यहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। पहले थोड़ा हिस्सा इसका क्लीन कर लें, जैसे अभी हम इसका स्पॉट, अच्छा जैसे अभी वहां से भी लेके यहां लगा सकते हैं, लेकिन अब देखिए यहां पे इसका काफी बेहतर इम्पैक्ट पड़ रहा है, कलर एक जैसे ही है तो मिक्स भी करता जा रहा है कलर्स को। ये देखिए कितना बेहतर हो गया ये हिस्सा इसका, और फिर जब ये आपने बना लिया ना, ये हिस्सा बेहतर हो गया, तो अल्टर के साथ अब इधर का आप स्क्रीन का शॉट ले लें, और लेने के बाद अब यहीं से इसको इस तरह से अप्लाई करें। ये देखिए इस तरीके से, तो इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता सारा क्लीन होता चला जाएगा। तो ये 2 ब्रश टूल जो है आपने याद रखने, स्पॉट हीलिंग और हीलिंग ब्रश टूल। अब तीसरा है इसके अंदर कंटेंट अवेयर मोड टूल। अब इसके अलावा थोड़ा सा एक दूसरी पिक्चर को लेते हैं और स्पेस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब ये एक पिक्चर है, इसमें आप देखिए डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे, इसको अनलॉक कर दिया। अब मैं यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, जैसे ये वाले हिस्से का ऑल्टर के साथ, ये ले लिया, ब्रश साइज को मैंने अपना एक्सटेंड कर लिया इस पिक्चर जितना, ठीक है, और देखिए
वो पिक्चर ही वहां से रिमूव हो गई। सही है।